हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक प्लियोट्रॉपी, चैप्टर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 बायोलॉजी। द टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी। चलिए चालू करें प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या चीज़ है, इस टर्म का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। व्हेन अ जीन अफेक्ट्स मैनी फीनोटाइप, जब एक जीन से कई सारे फीनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल करेक्टर गवर्न हो रहे हों, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ सेड टू बी प्लियोट्रॉपिक इन नेचर एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। तो सिंगल जीन, हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर केस में सिंगल जीन कंट्रोल्स वन करेक्टर, एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को जब कंट्रोल करता, गवर्न करता, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं प्लियोट्रॉपी। व्हेन अ जीन इफेक्ट्स मैनी फिनोटाइप, आ जीन एक जीन इफेक्ट कर रहा मैनी फिनोटाइप, इट इज सेड टू बी प्लियोट्रॉपिक इन नेचर, प्लियोट्रॉपिक कहलाएगा और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। इन गार्डन पी सेम जीन कंट्रोल्स बोथ सीड कोट कलर, तो गार्डन पी में एक ही जीन, सेम जीन है जो कंट्रोल कर रहा सीड के कोट का कलर, सीड कोट कलर एंड फ्लावर कलर। ठीक है जी, फ्लावर कलर को भी वो कंट्रोल कर रहा और सीड के कोट को भी वो कंट्रोल कर रहा। अनदर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस, दूसरा एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स। स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो एक तो स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल करेगा, स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा एंड साथ में किसको कंट्रोल कर रहा है, सीड के शेप को। अनदर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज टू एलील कैपिटल बी एंड लोअर केस बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी कैपिटल बी एंड देयर फोर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। तो ये जीन है जो जीन के दो एलील है, इस एलील की वजह से ये कंट्रोल कर रहा है किसको, स्टार्च ग्रेन के साइज को। तो होमोजाइगस कंडीशन में लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में लेसर एफिशिएंसी है इस जीन में स्टार्च ग्रेन को सिंथेसाइज करने की, तो स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स बीबी सीड्स आर राउंड, साथ ही साथ ये जो जीन है, जो जीन कैपिटल बी लोअर केस बी इन दो एलील के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये जीन स्टार्च सिंथेसिस को तो कंट्रोल कर ही रहा, साथ में सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स बीबी होमोजाइगस कंडीशन में बीबी सीड्स आर राउंड शेप एंड द लोअर केस बी सीड्स आर रिंकल्ड। हिट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, हिट्रोजाइगस केस में इस कंडीशन में राउंड शेप के सीड्स बनेंगे। सो द बी सीम्स टू बी डोमिनेंट ओवर कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी। तो एक ही जीन है, सिंगल जीन है जो दो करेक्टर को एट द टाइम सेम टाइम गवर्न कर रहा, वो जीन है बी जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कैपिटल बी लोअर केस बी। तो इसकी वजह से ये सीड के स्टार्च के स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एफिशिएंसी को गवर्न कर रहा है, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस को गवर्न कर रहा है, साथ ही साथ ये गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है किसको, सीड कोट के शेप को, सीड के शेप को। तो सीड का शेप कैसा होगा, राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा, इस चीज़ को ये कंट्रोल कर रहा है साथ में स्टार्च ग्रेन के साइज को। तो एक ही जीन जब दो या दो से ज़्यादा इफेक्ट को कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन इस कंडीशन में, देखिए एक जीन है जो पॉपुलेशन में आपको उसके जो कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं किसी पी प्लांट में वो ये मिल सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि स्टार्च ग्रेन लार्जर साइज़ के हैं, स्मॉलर साइज़ के हैं, इस कंडीशन में इंटरमीडिएट बन जाएंगे। और जब हम लोग बात करें सीड के शेप की, तो इस ये वाला शेप राउंड, ये वाला शेप रिंकल्ड और ये वाला शेप भी राउंड, इसका मतलब है कि कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी। व्हेन वी कंसीडर सीड शेप व्हाइल व्हेन वी कंसीडर स्टार्च ग्रेन साइड, तो हम देखते हैं वी नोटिस दैट कैपिटल बी दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप गिव राइज टू लार्जर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, लोअर केस बी दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप गिव राइज टू स्मॉलर साइज स्टार्च ग्रेन, वेयर एस कैपिटल बी लोअर केस बी दिस जीनोटाइप इज ऑल्सो, एक्सप्रेशन जो उसका आएगा वो भी कैसा आएगा,
हमारा लार्ज स्टार्च ग्रेन का आएगा, ठीक है जी। तो स्टार्च ग्रेन कैसे हो जाएंगे, इंटरमीडिएट साइज़ के हो जाएंगे, कैपिटल बी लोअर केस बी में। तो जब हम स्टार्च ग्रेन को इस करेक्टर के मद्देनज़र बात करें तो ये कैसा केस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो गया। सो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तब ये इस पर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, ठीक है जी। सो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, अगर इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्योंकि एक जगह पे कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है किस करेक्टर के लिए, ये तब जब हम सीड के शेप के करेक्टर की बात करें तो कैपिटल बी फुल्ली डोमिनेंट ओवर और डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी, लेकिन जब हम उस करेक्टर की बात करें स्टार्च ग्रेन के साइज की तब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा। इसलिए डोमिनेंस जो है वो ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का। नाउडेज इट इज बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द जीन्स अफेक्ट मोर देन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर, वन फिनोटिपिक ट्रेड। आज की तारीख में हम लोग ये बिलीव करते हैं कि सिंगल जीन जो है मोर देन वन कैरेक्टर को गवर्न कर रहा, एंड हेंस आर प्लियोट्रॉपिक, एंड मोस्ट ऑफ द जीन्स आर प्लियोट्रॉपिक। दैट इज जीन्स फॉर फिनाइल कीटोनूरिया, एग्जाम्पल है जीन्स फॉर फिनाइल कीटोनूरिया इन ह्यूमन बींग्स आल्सो इंटरफेयर्स विद सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट मिलानिन विच कंट्रोल्स द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। तो फिनाइल कीटोनूरिया जिस जीन की वजह से हो रहा है, फिनाइल कीटोनूरिया का एक्सप्रेशन जिस जीन में जिस जीन की वजह से आ रहा, उसी जीन की वजह से हम देखेंगे कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पिगमेंट मिलानिन का सिंथेसिस भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्किन के कलर को भी इफेक्ट करेगा। तो एक ही जीन है और उसके कई सारे इफेक्ट आ रहे हैं, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया। सो वी हैव सो फार नोटिस्ड सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप ऑफ ट्रेट, देयर आर हाउएवर इंस्टांसेस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो हालांकि हम लोग अभी तक ये मानते थे कि सिंगल जीन सिंगल करेक्टर को गवर्न करता है, लेकिन ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं, ऐसे भी इंस्टांसेज हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि सिंगल जीन मोर देन वन करेक्टर को इफेक्ट कर रहा। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन, जैसा वी हैव टॉक्ड अर्लियर, जिसकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसा जीन जो एक से ज़्यादा करेक्टर को गवर्न करता है उसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट ऑफ द केसेज इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। और इसका कारण क्या है कि एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को गवर्न कर लेता है, उसका कारण है ये ज़्यादातर केस में हम देखेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक। जब जीन का इफेक्ट मेटाबॉलिक पाथवे में किसी सबस्ट्रेट को या प्रोडक्ट को इफेक्ट कर देगा, तो अगले यहाँ पे मानिए इस जीन की वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो रहा, उस केमिकल रिएक्शन से ए बायोलॉजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कह लीजिए, ए का कन्वर्जन हो रहा बी में। अगर ए का कन्वर्जन बी में ही नहीं हुआ तो बी का कन्वर्जन सी में और सी का कन्वर्जन डी में, जब यहीं पे ब्रेक हो गई जर्नी की ए से बी नहीं बना तो बी से सी भी नहीं बनेगा, जब बी नहीं बना तो बी से सी कैसे बनेगा और सी से डी भी नहीं बनेगा। तो मेटाबॉलिक पाथवे उस तरह के केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन है बॉडी में जिसमें ये सारे रिएक्शंस जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, और फाइनली जो ये रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है आखिर में एक फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये जितना भी पाथवे है या ये जितने भी केमिकल रिएक्शन है विच आर इंटरकनेक्टेड, दीज आर कॉल्ड टू परफॉर्म अ मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक की कोई ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं और उसमें ये जितने भी रिएक्शंस हैं इनको मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में आपको देखने को मिलता है, 10-step रिएक्शन है और फाइनली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है अप टू द लेवल ऑफ पाइरूविक एसिड, तो वो भी एक मेटाबॉलिक पाथवे। तो ज़्यादातर केस में ह्यूमन बींग्स में या आप एनिमल्स में देखेंगे कि ये प्लियोट्रॉपी इफेक्ट जो आ रहा इसलिए आ रहा है कि जीन जो इफेक्ट हो रहा है वो मेटाबॉलिक पाथवे का कोई किसी स्टेप का जीन है। आगे इसमें और क्लियर हो जाएगा जब मैं अगले आपको स्लाइड शेयर करूँगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया, इसी का एक एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, विच अकर इन ह्यूमन में हो रही है। द डिजीज इज कॉज बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ, केवल उसने एंजाइम दिया, तो वहाँ पर लिख लीजिएगा फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाएगा, जीन का म्यूटेशन हो जाएगा, ये एंजाइम बनेगा नहीं, ये एंजाइम बनेगा नहीं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगी वो हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो फिनाइल कीटोनूरिया हो रहा है क्योंकि फिनाइल कीटोनूरिया इसलिए हो रहा है क्योंकि जीन में हो गया म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन हो जाने से फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज उस जीन का एक्सप्रेशन क्या था, उस जीन की वजह से बनना था फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज, जिसका काम क्या था अभी अगली स्लाइड पर चल के बात करते हैं। तो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज बनेगा नहीं,
उसी से सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। द जीन इज प्रेजेंट ओवर क्रोमोजोम नंबर 12, और ये जो जीन है, जिस जीन की वजह से, तो ये जीन जो है, ये जीन जिसकी वजह से बन रहा है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज, ये जीन क्रोमोजोम नंबर 12 पे है, और इसकी वजह से जब म्यूटेशन हो जाता है ये एंजाइम बनता नहीं। आगे क्या इसके डिफेक्ट होते हैं आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो ये ऑटोसोमल ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कौन सा? फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज ना बनना या फिनाइल कीटोनूरिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ओके, इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, तो जब होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है, द डिजीज शोन इट्स फुल ब्लोन इफेक्ट, तब डिजीज पूरी तरह खुल के सामने है वो आ जाती है। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर कलर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो ये जो डिजीज खुल के सामने आ जाती है उसकी कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो उसको कैसे एक्सप्रेस करती है, डिजीज कैसे एक्सप्रेस होती है? डिजीज एक्सप्रेस होती मेंटल रिटार्डेड होगा बंदा, जिसमें फिनाइल कीटोनूरिया होगी, डिजीज मेंटली रिटार्डेड होगा। रिडक्शन इन हेयर कलर, हेयर कलर उसका रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन भी हल्के कलर की होगी, तो हेयर भी ग्रे हो जाएंगे और स्किन भी हल्की हो जाएगी। ड्यू टू क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट मिलेनिन विच कंट्रोल द कलर ऑफ हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। मिलेनिन कम बना इस वजह से हो गए। एंड ड्यू टू फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एनालिन टू टायरोसिन, फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में जो होता है वहाँ पे एंजाइम चाहिए फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज, और फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज नहीं बना क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो गया, डिफेक्टिव एलील आ गए। फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हुआ, टायरोसिन से आगे बनना मिलेनिन, तो मिलेनिन भी नहीं बनेगा, ये मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, टायरोसिन से थायरोक्सिन भी बनता है, द थायरोक्सिन सिंथेसिस गेट इफेक्टेड, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, लीडिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ इट, कमी हो गई। एंड थायरोक्सिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, और थायरोक्सिन की उपस्थिति अनिवार्य है कि बच्चा मानसिक रूप से पूरी तरह से डेवलप हो जाए। मानसिक ये जो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन चाहिए। थायरोक्सिन क्यों नहीं बना? क्योंकि टायरोसिन नहीं बना। टायरोसिन क्यों नहीं बना? क्योंकि फिनाइल एनालिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बना। सो देयर इज मेंटल रिटार्डेशन इन पेशेंट ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया, तो फिनाइल कीटोनूरिया के पेशेंट में मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। द डिजीज इज कॉज बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय मेंटल रिटार्डेशन। फिर से वही बातें रिपीट हो गई हैं। जीन फॉर फिनाइल कीटोनूरिया इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इंटरफेस विद द सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन पिगमेंट, फिर से वही बातें आ रही हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। तो फिनाइल एनालिन का ना बनना बीमारी पैदा कर देगा। तो देखिए, ये पाथवे है मेटाबॉलिक पाथवे। फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन होगा टायरोसिन में, टायरोसिन से बनेगा डोपा, डोपा से डोपामिन, और डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन। टायरोसिन का कन्वर्जन होता है थायरोक्सिन में, और डोपा का कन्वर्जन होता है मिलेनिन में। तो ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, ये स्लाइड मेरी है, आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना। फिनाइल एनालिन के कन्वर्जन के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज। ये जो जीन है, जिस जीन की वजह से बनेगा, वो जीन सिचुएटेड है किस पे? क्रोमोसोम नंबर 12 पे। उसमें हो गया अगर हमारा म्यूटेशन, तो डिफेक्टिव एलील, ये हमारा नॉर्मल एलील, ये डिफेक्टिव एलील, इसकी वजह से आ जाएगा आपका, हमारा क्या, फिनाइल कीटोनूरिया हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म में इस तरह की एलील का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव जीन की आ जाएगी। तो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बना क्योंकि इस तरह के कंडीशन वाला जो इंडिविजुअल है उसमें डिफेक्टिव दोनों एलील आने से फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज नहीं बना, टायरोसिन नहीं बना। टायरोसिन से टायरोसिन परऑक्सीडेज एंजाइम है जो टायरोसिन का कन्वर्जन करा रहा थायरोक्सिन में। जब यही नहीं बना तो इससे ये कहाँ बन जाएगा? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन टायरोसिन से बनता है डोपा, तो यहाँ पर टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है। टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज है कि एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन का कन्वर्जन होगा डोपा में, डोपा पैक करेगा टायरोसिनेज और उसको बदलेगा मिलेनिन में। तो जब टायरोसिन ही नहीं बना, यही नहीं बना, तो डोपा कैसे बनेगा? और जब डोपा नहीं बना तो डोपा का कन्वर्जन मिलेनिन में कैसे होगा? मिलेनिन भी कम बना, मिलेनिन कम बना तो स्किन पिगमेंटेशन हल्की हो गई, साथ के साथ हेयर कलर हल्का हो गया। थायरोक्सिन नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि टायरोसिन नहीं बना। थायरोक्सिन मेंटल फैकल्टीज़ के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, तो मेंटल फैकल्टीज़ भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ये है आपका मल्टीपल इफेक्ट
मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट आ गए, इसी को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपी, क्योंकि ये पहले ही स्टेप पे हमारा फॉल्ट हो गया। फॉल्ट ये हो गया कि फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो रहा, क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बन रहा। तो ये सबस्ट्रेट है मेटाबॉलिक पाथवे, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में, अगले रिएक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट इसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन, अगले रिएक्शन के लिए फिर से ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट, अगले रिएक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे हो गया। मेटाबॉलिक पाथवे पहले ही स्टेप पे आपने ट्रेन को रोक दिया, तो भैया अगले स्टेशन कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। ये है आपका प्लियोट्रॉपी और ये है प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। इसमें आप चाहो तो ये नोट कर लो, फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, टायरोसिन का कन्वर्जन डोपा में टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, डोपा का कन्वर्जन डोपामिन में डोपा डिकार्बोक्सीलेज, डोपामिन का कन्वर्जन नॉरएपिनेफ्रिन में डोपामिन हाइड्रोक्सीलेज। सीधी सी तरीका है याद करने का, चार स्टेप हैं जिन पे आपको याद करना है, तीन जगह हाइड्रोक्सीलेज है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज और हमारा डोपामिन हाइड्रोक्सीलेज, केवल एक जगह डिकार्बोक्सीलेज है। कहाँ? जब डोपा का कन्वर्जन डोपामिन में हो रहा है, तो डी टू डी जब सेम होगा तब आप लगा दीजिए कार्बोक्सीलेज, बाकी जगह आप लगा दीजिए हाइड्रोक्सीलेज, और वही सबस्ट्रेट के आगे हाइड्रोक्सीलेज लगा दीजिए, एंजाइम याद हो जाएगा आपको। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, तीसरे स्टेप पे डी टू डी, बी टू बी, सी टू सी, डी टू डी, डी टू डी में आपने लगा देना कार्बोक्सीलेज, डोपा डिकार्बोक्सीलेज और डोपामिन में डोपा हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, ये तो ये याद रखने का, ये वाली स्टेप याद रखने का हो गया। टायरोसिन का कन्वर्जन टायरो थायरोक्सिन में, तो यहाँ पर टायरोसिन परऑक्सीडेज, टायरोसिन परऑक्सीडेज पहले स्टेप में, टायरोसिन परऑक्सीडेज और डोपा का कन्वर्जन मिलानिन में टायरोसिनेज। ओके, ये हो गया आपका प्लियोट्रॉपी के बारे में जानकारी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलता हूँ। चैनल के आखिरी तक, अगर आप इस लेक्चर के आखिरी तक आ गए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।